अप्रूव्ड है और यहाँ पर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी दिया जाएगा और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। ये 10 वेबसाइट्स के अंदर अपना सीवी और कवरिंग लेटर आप सेंड कर दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर 195,000 से भी ज़्यादा वर्क परमिट इशू करने जा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और 2023 और 24 का जो कोटा है 1,095,000 से भी ज़्यादा वर्क परमिट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप मेरे बैकग्राउंड के ऊपर देख पा रहे हो, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और वेबसाइट्स के ऊपर भी लेकर जाऊँगा जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। तो देखिए बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ, ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, 1,95,000 से ज़्यादा भी वर्क परमिट जो है विद स्पॉन्सरशिप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जॉब्स एंड वर्क परमिट कौन कौन से अवेलेबल हैं वर्क परमिट के अंदर, वो है आपके फूड पैकिंग के अंदर, पैकिंग वेजिटेबल्स की है, फार्मिंग है और डेयरी फार्मिंग आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नंबर वन है। और अगर आप यूके का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं विद स्पॉन्सरशिप वीज़ा के साथ, तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है मोर देन 40,000 से भी ज़्यादा वर्क परमिट इशू करने किए हैं। पूरी एक्सप्लेन में मैंने किया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। आपको यूके वर्क परमिट की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉब्स के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्क परमिट निकला हुआ है, ठीक है। 2023 और 24 का जो कोटा है वो पूरा करना है लेबर शॉर्टेज होने के कारण, राइट। अभी जो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज करंटली फेसिंग अ लेबर शॉर्टेज, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अनस्किल्ड और जो स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्रीकल्चर का वर्क परमिट तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्री आपको ऑलरेडी मालूम है ऑस्ट्रेलिया है। वर्क परमिट का टाइप क्या रहेगा, कौन कौन सा वर्क परमिट आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर का वर्क परमिट मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर का मिल सकता है, पोल्ट्री फार्म का मिल सकता है, पैकिंग का, फ्रूट पैकिंग का। तो ऐसे ये फार्मिंग वर्क के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फ्रूट पैकिंग, वेजिटेबल पैकिंग के सारे ये वर्क परमिट आपको इशू किए जाएंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से और विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा, नहीं कि वेबसाइट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई भी करना है, राइट। और उसके बाद देखिए फ्लावर्स पिकिंग के भी काम है, डेयरी फार्मिंग का काम है। वर्क टाइप जो टाइप रहेगा वो आपका वर्किंग वीज़ा लगेगा, फार्म वर्क वीज़ा लगेगा, जो कि सीजनल होता है 9 मंथ के लिए, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते बट एक्सटेंड कर सकते हो उस वीज़ा को अगर आप रहना चाहते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक्सटेंड कर सकता है आपका वीज़ा, तो वो एक्सटेंड करके आप वहाँ पर कंटिन्यूसली वहाँ पर रह सकते हो। एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, बट 12th स्टैंडर्ड आपको किया होना चाहिए, एज 18+ होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, अकोमोडेशन भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और जो आपकी सैलरी रहेगी वो $30 पर आर तक भी रह सकती है और जो मंथली जो ईयरली सैलरी रहेगी नियर अबाउट 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर रहेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि आपने कहाँ कहाँ से पर अपने जॉब वीज़ा अप्लाई करना है। बट CV और कवरिंग लेटर बनाना मत भूलिए, क्योंकि विदाउट CV और कवरिंग लेटर आप इस वर्क परमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। सो प्लीज़ पहले कवरिंग लेटर और CV बना लीजिए, देन उसके बाद अप्लाई करना शुरू कीजिए। चलते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। हेलो जी, इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अनस्किल्ड ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के बारे में, 2023 के बारे में, पूरी वेबसाइट्स की डिटेल्स, कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बताया हुआ है। बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ये सीक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वेबसाइट है, अप्रूव्ड भी है, यहाँ पर आप अपने एग्रीकल्चर वर्क वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर वीज़ा, फार्म वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपने यहाँ पर टाइप करना है, जस्ट आपने सीख करना है, ठीक है, यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आपको एग्जांपल के तौर पर मैं ये ओपन करके बताता हूँ, जैसे ये आपने ओपन किया तो नीचे बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेन चीज़ है। ये यहाँ पर एक 494 वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी, वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी करेंगे और वीज़ा ट्रांसफ़र भी अवेलेबल भी है, ये सारी चीज़ें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको CV सेंड करना है, या आप नंबर पर कॉल तो नहीं चलो कर सकते क्योंकि इंडिया के अंदर या बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, अपना CV जरूर सेंड कीजिए इस नंबर के, इस ईमेल आईडी के ऊपर। तो नहीं तो आप यहाँ से भी अप्लाई डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है सारी ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। अपने साइन अप करना है, दैट्स इट, आपने CV और कवरिंग लेटर सेंड करना है, यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। सेकंड जो वेबसाइट है workforceaustralia.government.au, देखिए गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो मतलब कि ये जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ की सरकारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है फार्म सर्च किया,
और यहाँ पर सर्च किया तो बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। 7 दिन पहले ही अप्लाई की हुई है फार्म हैंड। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा, ट्रैक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा, पोल्ट्री बारे के फार्म में, पोल्ट्री फार्म मैनेजर के बारे में, फार्म मैनेजर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल है। जस्ट आपने अप्लाई करना है, अपने के आपके पास CV और कवरिंग लेटर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इन जॉब्स को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट जो बता रहा हूँ वो भी है आपकी फाइंड अ जॉब, वो है एग्री लेबर। एग्री जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एग्रीकल्चर के लेबर है उसके बारे में वहाँ पर जॉब्स अप्लाई होती रहती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेयर हाउस की जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पर फार्म हैंड की भी अवेलेबल है, सेम फार्म हैंड यहाँ पर भी है और इस वेबसाइट के ऊपर भी है और यहाँ पर भी है फार्म हैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर हम डिफरेंट जॉब लेते हैं, फार्म वेयर हाउस स्पीकर की जॉब लेते हैं। तो अगर वेयर हाउस की जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी $29 पर आर की रहेगी और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वे से बताया हुआ है कि ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से है यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको वीज़ा भी अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा और आपको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट चेरी हिल, चेरी हिल के अंदर भी आपको वी आर हायरिंग, अभी ये हायरिंग कर रहे हैं, देखिए फार्म हैंड और जनरल लेबर भी ये हायर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ऑलमोस्ट, बाकी सीजनल के अंदर 9 मंथ का सीजन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो जो चाहिए इनके बारे में आप रीड आउट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से और अप्लाई फॉर अ जॉब। ये तो थी आपकी 4 मोस्ट फेमस जो एप्लीकेशन थी जहाँ पर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर 4 वेबसाइट और हैं, ये आप चेकआउट कर लीजिए एग्री लेबर ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सरशिप के अंदर। एंड उसके बाद 10 और भी एप्लीकेशन यहाँ पर वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया का फ्री में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और यहाँ पर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी दिया जाएगा और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। ये 10 वेबसाइट्स के अंदर अपना CV और कवरिंग लेटर आप सेंड कर दीजिए, आपका कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के अंदर। तो ये वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिए। तो अगर कोई इसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी 23 और 24 के अंदर 1 लाख से ज़्यादा की जॉब्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ऐसी जॉब्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स फाइंड करके लेकर आता रहूं और प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको दिखाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।